तीनों से आपका वेरिएशन का रेडी होता है तो देखिए वेरिएशन का मतलब क्या होता अ चेंज चेंज इन इन वन क्वांटिटी 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 ड्यू टू रिलेटेड एक में जब चेंजिंग होती है तो उसकी वजह से जो दूसरी क्वांटिटी उसी के रिलेटेड रहती रे, रे है उसमें जो चेंजिंग आती है वो आपका वेरिएशन के अकॉर्डिंग आता है तो डायरेक्ट इसमें आपके वेरिएशन टू टाइप्स के होते हैं तो यहाँ पे आप क्या स्टडी करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन तो टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी वेरी डायरेक्टली इफ द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या देखेंगे कि अगर टू क्वांटिटीज है आपके पास और उसमें से वन क्वांटिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो आपकी दूसरी भी क्वांटिटी क्या होगी इंक्रीज होगी या फिर वन क्वांटिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्वांटिटी क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी ओके okay? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अ मैन कैन पैक 260 बंडल्स इन फाइव डेज यहाँ पे इन होगा हाउ मेनी बंडल्स कैन बी पैक्ड बाई हिम इन सेवन डेज ओके एक मैन आपका 260 बंडल्स फाइव डेज में पैक करता है तो सेवन डेज में वो कितने बंडल्स पैक करेगा तो इन फाइव डेज ही कैन पैक 260 बंडल्स ओके okay? तो आप पहले वन डे का फाइंड आउट करिए वन तो डे में वो क्या करेगा लेस पैक करेगा और लेस के लिए आपको क्या करना पड़ता है डिवाइडरी मेथड आपको पता ही होगा वही है यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कितने डेज का है सेवन डेज का तो इन सेवन डेज ही कैन पैक

तो यहाँ पे क्या है 242.50 में आपको 97 मीटर क्लॉथ मिलता है तो 302.50 में आपको कितना क्लॉथ मिलेगा तो यहां इन रुपीज टू हंड्रेड वी कैन बॉट क्लॉथ 97 मीटर इतना रुपीज में आपको 97 मीटर क्लॉथ मिलता है तो वन रुपीज में क्या मिलेगा लेस मिलेगा और लेस के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइड तो कैसे राइट करेंगे इन वन रुपी वी कैन बॉट

Into 300 इसी वन मीटर वाले में आपको क्या करना है इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका यहाँ पे जब कैंसिल करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 121 मीटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ टेलर स्टिच 9000s इन 4 डेज एक टेलर 9000s को 4 डेज में स्टिच करता है तो हाउ मेनी डेज विल ही रिक्वायर टू स्टिच 36 ट्राउजर्स उसे 36 ट्राउजर स्टिच करने में कितना टाइम लगेगा तो अ टेलर स्टिच 9 ट्राउजर्स इन 4 डेज ओके तो स के लिए उसे कितना टाइम लगता है डेज तो के लिए क्या लगेगा लेस टाइम लगेगा और लेस so, okay? तो इसके लिए इस वन वाले जो आपको वन ट्राउजर स्टिच करने में जो टाइम लगता है इसमें क्या करना पड़ेगा आपको थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा

सेम वायर ओके 20 मीटर वायर का वेट कितना है? 15 केजी है तो 48 केजी में आपका जो वायर का लेंथ होगा वो कितना होगा तो यहाँ पे कैसे राइट करना है द लेंथ ऑफ 50 केजी वायर इक्वल टू 20 मीटर तो 1 केजी में क्या होगा लेस होगा और लेस के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइड द लेंथ ऑफ 1 किग्रा वायर इक्वल टू 20 बाई 15 मीटर अब आपके को कितना फाइंड आउट करना है 48 किग्रा वायर का लेंथ फाइंड आउट करना है तो द लेंथ ऑफ 48 किग्रा वायर इक्वल टू 20 बाई 15 मीटर इनटू 48 अब इसे अगर आप सॉल करेंगे तो आपको मिलेगा 64 मीटर ओके okay? आप सॉल कर सकते हैं यहां पे

तो यहां पे आप क्या राइट करेंगे इंटरेस्ट एट सिक्स पर इक्वल टू रूपीज थ्री हंड्रेड तो वन परसेंट पे क्या होगा और भी लेस आएगा और लेस के लिए डिवाइड okay. तो तो मोर होगा, होगा. तो इसमें यहां पे आप क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट में तो इंटरेस्ट एट फाइव परसेंट पर एनएम इक्वल टू रूपीज थ्री हंड्रेड बाई

टाइम लगेगा 7 805 हो जाएगा। इन सेवन बाई एट हंड्रेड फाइव इन टू कितना हो जाएगा एटीन हंड्रेड फोर्टी अब इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सिक्सटीन डेज ओके

तो इसमें क्या हो जाएगा इस 200 uh, 200 अपॉन 966 वाले में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके okay? तो कुड बी बॉट फॉर 200 200 अपॉन 966 5074.65 यूएस डॉलर और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 105 यूएस डॉलर्स क्वेश्चन नंबर 8 है इफ फाइव मेन आर 7 वुमेन अर्न 525 पर

525 पर तो तो पे आपको five men equal to कितना है आउट तो uh, कर लीजिए आप वन मेन कितना हो जाएगा अब आपके पास देखिए कि कितने मेन है सेवन uh, मेन है तो सेवन मेन इक्वल टू क्या हो जाएगा सेवन बाई फाइव इन

यहां मैंने राइट कर लिया अब आप क्या राइट करेंगे इफ सेवन वुमन अर्न्स पर डे कितना 525 अब यहां पे देखिए आपने वुमन फाइंड आउट किया है तो इसलिए ये सेवन वुमन वाला आप लेके चलेंगे ओके तो वन वुमन्स में क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा ओके देन वन वुमन्स अर्न पर डे इक्वल टू 525 बाय 7 अब आपके पास कितनी देखिए कि कितना तो तो ये कुछ मोर करेंगी और तो डे तो 5, 5 अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा रुपीज वन सेवन वन जीरो ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन

बाई 8 परसेंट इन 5 डेज ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं तो पहले आप यहाँ पे राइट करेंगे पर्सन सॉल्स एंड डेज ओके पर्सन सॉल्स एंड डेज पर्सन कितने थे थ्री सॉल्स कितनी थी वन सिक्स एट और डेज कितना था फोर्टीन देन पर्सन कितने हैं एट और साल एक्स ली थी हमने और डेज कितना है ये फाइव डेज दिया था ओके okay? अब आप यहाँ पे एक एरो लगाएंगे ओके okay, क्या लगाएंगे एरो और आपका ये एरो हमेशा एक्स के साइड में रहेगा ओके okay, अब यहाँ पे देखिए आप देखिए थ्री परसेंट थ्री परसेंट वन हंड्रेड सिक्सटी एट साल करते तो एट परसेंट क्या करेंगे मोर करेंगे

कम साल स्वीप्स होंगी और कम नंबर का है नीचे की साइड में है तो यहाँ पे भी एरो आपका नीचे की साइड में लगेगा ओके अब यहाँ देखिए एरो से क्या बेनिफिट मिलता है अगर ये एरो नीचे की साइड में है तो आप इसे रिवर्स करके राइट करेंगे मतलब एक्स अपॉन सिक्सटी राइट किया जाएगा 5.14 राइट right किया जाएगा और एट अपॉन थ्री राइट किया जाएगा लेकिन कैसे राइट right करेंगे देखिए ये, ये इस right और, right इसे और इसे राइट कर देंगे एरो उल्टा था इसलिए नंबर को हमने क्या किया रिवर्स करके राइट right किया अब वन सिक्स एट आपका इस साइड में आएगा राइट right साइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके इसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया और अब इसे अगर आप कैंसिल करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा क्लियर है? नहीं समझ में आया देखिए क्वेश्चन नंबर से शायद गुड्स फॉर वन टू फाइव द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग टू हंड्रेड के जी ऑफ गुड्स फॉर फोर हंड्रेड किलोमीटर देखिए क्वेश्चन क्या है कि वन हंड्रेड सिक्सटी के जी गुड्स का Uh, 124 किलोमीटर के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है कितना है ₹60 रुपीज है और अब क्या है व्हाट विल बी द कॉस्ट कॉस्ट पूछ रहा है आपका जबकि गुड्स कितना है 200 केजी और डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर तो सबसे पहले आपको राइट करना है लेट द कॉस्ट बी एक्स उसके बाद आप क्या राइट क्या राइट करेंगे वेट डिस्टेंस और अमाउंट तो देखिए वेट कितना है? 160 केजी पहले तो यहाँ पे राइट कर लिया डिस्टेंस कितनी थी 125 और अमाउंट कितना 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 था था या चार्ज अगेन वेट कितना है, 200, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे टू हंड्रेड और डिस्टेंस कितनी थी फोर हंड्रेड किलोमीटर और अमाउंट आपको नहीं पता था तो आपने ले लिया एक्स अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपका एरो एक्स के साइड में लगेगा ओके अब देखिए डिस्टेंस जब है आपकी टू किलोमीटर तो आपका कितना चार्ज देना पड़ता है सिक्सटी रुपीज ओके अब डिस्टेंस अगर फोर हंड्रेड किलोमीटर डिस्टेंस आपकी बढ़ गई तो अमाउंट भी क्या होगा इंक्रीज होगा और यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है नीचे की साइड में तो एरो क्या होगा नीचे की साइड पे लगेगा ओके

बाई वन टू फाइव ओके अब आपका, राइट में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसी नंबर में okay? मल्टीप्लाई कर दिया और अगर आप इसे solve करेंगे okay? तो देखिए क्या मिलेगा आपको रुपीज टू हंड्रेड फोर्टी सोल्व करने के लिए देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे काफी गंदा हो जाएगा फिर आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कैंसिल आपको करना है कर सकते हैं यहाँ देखिये कई सारे मेथड्स कैंसिल करने के जैसा भी आपको इजी लगता है ओके तो आप खुद ही कैंसिल करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा और एक बार मैं फिर से कहूंगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ओके बाय स्टूडेंट्स